लोकतंत्र सहनशील होना चाहिए, मौजूदा सरकार लोगों की ओर से दिखाए जा रहे काले झंडों से तिलमिला उठी है। सरकार के इस तरह के विरोध को सहने की शक्ति होनी चाहिए। मुख्यमंत्री आरोप लगा रहे हैं कि ये अशोक गहलोत के इशारे पर हो रहा है, जो कि सरासर गलत है। हमारी सरकार थी तब बीजेपी जी की यात्रा के दौरान हमने सहायता की थी, यह बात पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कही है। वे यहाँ महामंदिर स्थित अपनी बहन के घर राखी का त्योहार मनाने पहुंचने वाले थे। यहाँ राखी बंधवाने के बाद गहलोत पत्रकारों से रूबरू हुए। इस दौरान उन्होंने कहा कि पिछले 4.5 साल में मुख्यमंत्री एक बार भी सर्किट हाउस नहीं रुकी, ऐसे में गांव से आने वाले फरियादी उनसे कैसे मिलते, और इससे रोष जाहिर होना तो लाजमी है। यह मुख्यमंत्री के प्रति रोष है जो काले झंडे व पत्थरबाजी दिखाकर किया जा रहा है। हालांकि कांग्रेस इस तरह पत्थरबाजी जैसी घटनाओं की निंदा करती है। पत्रकारों की ओर से प्रदेश में उन्होंने नेतृत्व के सवाल पर उन्होंने फिर यही दोहराया कि मैं था सू दूर नहीं। जोधपुर से ये थी रफीक मोहम्मद की रिपोर्ट।